औरंगाबादच्या मध्य विधानसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार कदीर मौलाना यांचा जोरदार प्रचार सुरू आहे. प्रचारादरम्यान मतदारांच्या गाठीभेटी घेण्यावर ते भर देत आहेत. याविषयी कदीर मौलाना यांच्याशी खास बातचीत केली आमचे प्रतिनिधी शुभम कुलकर्णी यांनी. पाहूयात. औरंगाबादच्या मध्य विधानसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार कदीर मौलाना आपल्यासोबत आहे. सर, काय सांगाल, कसा प्रतिसाद मिळतोय? बहुत ही बढ़िया. लोगों ने जो खुलूस और मोहब्बत का इजहार किया है, मेरे पास उसको बोलने के लिए लफ्ज नहीं है. हर इलाके में जहां जाते हैं, आप देख रहे हैं जिस तरह का हुजूम आपने देखा है, तो बड़े पैमाने का जो है तो प्रतिसाद है. और मैं शुक्रिया अदा करता हमारे जो कल तक के MIM के अंदर में कारपोरेटर थे, उन्होंने तहे दिल से हमारे साथ शामिल होकर पूरी ताकत से इस वार्ड के अंदर में हमको मदद किया. पूरे शहर में MIM का जो कार्यकर्ता हमारे अज्जू पहलवान का था, वो पूरा हमारे साथ दाखिल हो गया और पूरी ताकत से आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल यहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं. अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये इलेक्शन में हम इंतखाबात में कामयाब होंगे. जिस तरीके का लोगों के खुलूस और मोहब्बत का इजहार हमको नज़र आ रहा है. सर, दीर्घकाळापासून तुम्ही राजकारणात आहात, तुम्ही राष्ट्रवादीमध्ये राज्य पातळीवर काम केलेलं आहे, तुम्हाला प्रमुख कोणत्या समस्या भेडसावत आहे सध्या? नहीं, इस शहर के अंदर में उमूमी तौर से अगर देखिए तो कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन इस वार्ड के अंदर जहां हम रैली कर रहे हैं, हमारे अज्जू पहलवान ने 90% इन लोगों की समस्या को छुड़ाने का काम किया. जो लोग लोगों के बीच में रहते हैं और काम करते हैं तो उनकी मकबूलियत भी वहां पर रहती है, लेकिन शहर के एतबार से अगर देखें तो ये शहर पूरा खंडर हुआ हुआ है. शहर खूबसूरती के नाम पर एक पैसे का काम नहीं है. सबसे बड़ी समस्या हमारे शहर में पानी का इतना बड़ा ज़खीरा हमारे पास होने के बावजूद भी 4 दिन और 8 दिन के बाद पानी आता है. ये शिवसेना BJP की फेलियर परिस्थिति का नतीजा है. और उसके बाद MIM ने 5 साल आने के बाद भी उन्होंने भी कोई काम किया नहीं. उनका खासदार भी यहाँ पे बन गया, उन्होंने कोई काम किया नहीं. और शहर खंडर है. यहाँ के सलम एरिया जो है ताफुन गंदगी के शिकार है. आप घाटी हॉस्पिटल में जाकर देखो, लोगों को डेंगू और मच्छरों की बीमारी से और टाइफाइड की बीमारी से बेड नहीं है, लोगों को नीचे सुलाने की नौबत आ गई है. ये परिस्थिति औरंगाबाद के अंदर शिवसेना BJP ने करके रखी है. महानगर पालिका को जो एक लोकल के डेवलपमेंट की सोचता होती है और उसकी जिम्मेदारी होती है, वो 25-30 साल से शिवसेना BJP के हाथ में है और वो काम नहीं करते हैं. आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग यहाँ से आप लोगों की तमाम लोगों की दुआ से मैं अगर यहाँ चुन कर आया तो ये परिस्थिति को बदलने के लिए पूरी मेहनत और कोशिश करेंगे. सर, तुमचे काय विजन आहेत? हमारे विजन तो देखो, सबसे पहले नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए. एजुकेशन में हमारा नीचों से लेके ऊपर तक फ्री एजुकेशन हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, जिसके लिए हम कोशिश करने वाले. मजदूरों को काम मिलना चाहिए, बेकार लोगों को काम मिलना चाहिए. गवर्नमेंट के अंदर जो बेकार नौजवान है पढ़ लिख के, उसको बेकारी भत्ता तय होना चाहिए, जिससे उसकी लाइफ गुजारने का एक सिलसिला यहाँ पर होना चाहिए. अपन मध्य विधानसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार कदीर मौलाना यांच्याशी खास बातचीत केली. व्हिडिओ जर्नलिस्ट कपिल जाधवसह शुभम कुलकर्णी, AM News, औरंगाबाद.